गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं दुर्गेश वर्मा आपको बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ मैं अपना वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं और मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे वीडियो को देखने के बाद उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे जो भी वीडियो होंगे, नए वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहेगा। ओके, मैं आज क्लास 11th बायो का लेसन फर्स्ट, जिसका नेम है लिविंग वर्ल्ड, स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ वर्ल्ड के बारे में। तो आप जानते हैं वर्ल्ड का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ कंट्रीज। वर्ल्ड का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ कंट्रीज। वैसे ही यहाँ पर वर्ल्ड लगा है लिविंग वर्ल्ड, तो लिविंग वर्ल्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा? लिविंग वर्ल्ड का मतलब हो जाएगा ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ लार्ज एरिया कॉल्ड लिविंग वर्ल्ड। जब किसी लार्ज एरिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप में रहते हैं, उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स को हम लोग लिविंग वर्ल्ड के नेम से जानते हैं। चलते हैं इस लेसन में, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आएगा उस टॉपिक का नेम है व्हाट इज लिविंग। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट इज लिविंग। चलते हैं, हम पहले आपको व्हाट इज लिविंग टॉपिक का डिफिनेशन बता रहे हैं। इससे पहले हम लोग का टॉपिक है, टॉपिक का नेम है व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लिविंग। तो लिविंग की डिफिनेशन अगर मैं दूं, तो लिविंग का डिफिनेशन होगा आपका ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिज्म विच सो लाइफ प्रोसेस, विच सो लाइफ प्रोसेसेस कॉल्ड लिविंग। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें लाइफ प्रोसेस शो होता है, जिनमें लाइफ प्रोसेस देखने को मिलता है, वो सभी आपके होते हैं लिविंग। और जिनमें आपके लाइफ प्रोसेस देखने को नहीं मिलता है, वो आपके होते हैं नॉन लिविंग। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था व्हाट इज लिविंग, उसका मैंने डिफिनेशन दे दिया। आपने देखा ऑल ऑर्गेनिज्म विच सो लाइफ प्रोसेसेस कॉल्ड लिविंग। क्लियर हो गया? इसके बाद हम लोग का सेकेंड जो टॉपिक आएगा उसका नेम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नेम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। सेकेंड टॉपिक हम लोग का होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स हम जानेंगे। तो लिविंग सो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जो लिविंग होते हैं उनमें कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलता है। फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ लिविंग इज ग्रोथ। सेकेंड कैरेक्टर ऑफ लिविंग इज रिस्पिरेशन। सेकेंड कैरेक्टर ऑफ लिविंग इज रिस्पिरेशन। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग इज मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म आप लोग अलग अलग बोल सकते हैं और लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, तो इसको अगर सही से हम पढ़ें तो इसको बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा बच्चे, वो होगा आपका रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट होगा बच्चे रिप्रोडक्शन। ओके,
ये होगा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, इसके बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या है, ग्रोथ। तो ग्रोथ को आप डिटरमाइन कर सकते हो, ग्रोथ रिफर्स टू इंक्रीज इन साइज ऑफ बॉडी, इंक्रीज इन साइज ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ओके। तो ग्रोथ का जो संबंध होता है, रिफर्स टू या ग्रोथ हमें दर्शाता है इंक्रीज इन साइज ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी की जो साइज में इंक्रीज करता है, उस साइज में इंक्रीज करने को हम लोग ग्रोथ टर्म से यूज करते हैं या ग्रोथ टर्म से बताते हैं ओके। इसके बाद आप ये याद रखना, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिस्पिरेशन। चलते हैं सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, रिस्पिरेशन। व्हाट इज रिस्पिरेशन, आपने क्लास 10th में स्टडी किया होगा, तो आप रिस्पिरेशन को बता सकते हैं, रिस्पिरेशन इज अ प्रोसेस, रिस्पिरेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी बाई ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्लियर रहेगा, तो रिस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एनर्जी को गेट करता है, और कैसे गेट करता है, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इसका मतलब क्या कि रिस्पिरेशन प्रोसेस के ड्यूरेशन में आपके फूड का ऑक्सीडेशन होता है, और उस ऑक्सीडेशन से ऑर्गेनिज्म को एनर्जी फाइंड होता है ओके। तो ऑर्गेनिज्म अगर एनर्जी फाउंड करता है तो कौन से प्रोसेस से करता है, रिस्पिरेशन। थर्ड जो प्रोसेस होगा वो है आपका मेटाबॉलिज्म, जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके लिविंग। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी इंटरनल केमिकल रिएक्शन अकर्स कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। आप बता सकते हैं, क्या बताएंगे, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी इंटरनल केमिकल रिएक्शंस अकर्स और उस इंटरनल केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म ओके। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे, वो हम लोग का होगा रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन को डिफाइन करेंगे, तो इट इज अ प्रोसेस
इज अ प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस own type of new spring. इस प्रोसेस के थ्रू जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, इसके थ्रू ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोसेस आपका होता है रिप्रोडक्शन। ओके, तो ये रहा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। इसके बाद और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग के, इसके साथ एनसीईआरटी और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कॉन्शियसनेस। एक और कैरेक्टरिस्टिक है बेटा कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस क्या होता है तो कॉन्शियसनेस आप बताओगे मेनी आउटर इन्वायरमेंटल चेंजेस अकर विच वी फील एंड गिव टू द रिस्पॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्सियसनेस। जो भी आपके सराउंडिंग में कोई भी चेंजेज होते हैं तो उसका आप रिस्पॉन्ड करते हो, उससे आप बचने की कोशिश करते हो, और ये आपके किस में आता है कॉन्सियसनेस में आता है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग के। इसके बाद थर्ड जो टॉपिक इस लेसन में हम लोग स्टडी करेंगे बेटा, वो हम लोग का होगा डाइवर्सिटी इन लिविंग। थर्ड जो टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे वो होगा डाइवर्सिटी इन लिविंग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, डाइवर्सिटी इन लिविंग। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी आपने क्लास 9th में स्टडी किया है। डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट। आपके सराउंडिंग में मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, प्लांट्स प्रेजेंट है, एनिमल प्रेजेंट है, और उनके आप देखते होंगे स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, उनके आप बिहेवियर डिफरेंट है। तो ये सभी जो डिफरेंसेस उनमें देखने को हमें मिलते हैं, ये डिफरेंसेस ऑर्गेनिज्म को क्या शो करते हैं, डाइवर्सिटी। ऑर्गेनिज्म का क्या शो करते हैं, डाइवर्सिटी। और इसी डाइवर्सिटी को हम किसमें स्टडी कर रहे हैं, इस टॉपिक में डाइवर्सिटी इन लिविंग। तो हम बता सकते हैं इसमें क्या कि ऑन आवर अर्थ मेनी टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड लाइक प्लांट्स लाइक एनिमल्स एंड दीज ऑर्गेनिजम्स शो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड आल्सो बिहेवियर एंड दिस डिफरेंसेस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी एंड सीन इन द लिविंग सो इट इज कॉल्ड ए डाइवर्सिटी इन लिविंग। अब बात आती है कि जब इतनी बड़ी हमारे सराउंडिंग में हमारे अर्थ पर डाइवर्सिटी है तो इस डाइवर्सिटी को हम स्टडी कैसे करेंगे। अगर हम वन बाई वन अगर ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना स्टार्ट करें तो पॉसिबल नहीं, इतना आसान है नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जिससे कि हम इतनी बड़ी डाइवर्सिटी जो लिविंग की है इसके बारे में हम स्टडी कर पाए, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जान पाए। तो इसको जानने के लिए, इनके बारे में स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनको उनके कैरेक्टर के बेसिस पे, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब कहने का कि जो ऑर्गेनिजम्स सिमिलर कैरेक्टर शो करेंगे उनको एक ग्रुप में रख देंगे, जो डिसिमिलर कैरेक्टर शो करेंगे उनको अदर ग्रुप में जब हम रखने लगेंगे, तो इस तरीके से हम ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद हम उनके बारे में क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो डिवाइड करके सिमिलर और डिसिमिलर
कैरेक्टर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को हम ग्रुप में जब रखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसी को आज हम स्टडी करेंगे। मैं बता दूं, आप जानते भी हैं, उसको हम लोग क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और तब अगला हमारा टॉपिक क्या आ जाएगा बेटा, अगला टॉपिक होगा हमारा क्लासिफिकेशन। चलते हैं हम क्लासिफिकेशन जानेंगे। केमिस्ट्री तो मैंने आपको बता दिया, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा क्लासिफिकेशन। फोर्थ टॉपिक हम लोग का होगा क्लासिफिकेशन। व्हाट इज क्लासिफिकेशन, अभी मैंने आपको बताया है तो आप बता सकते हो, on the basis of similar and dissimilar characters, the organisms. Classified in different groups called classification. तो इसका मीनिंग मैं बता दूं, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर कैरेक्टर्स, डिफरेंट और सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड कर देते हैं इन डिफरेंट ग्रुप्स, और उस ग्रुप्स में डिवाइड करने को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। अब ये क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो इससे क्या बेनिफिट है, तो हम आसानी से जो ऑर्गेनिजम्स की डायवर्सिटी है उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट मींस ऑर्गेनिज्म को हम आसानी से उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लासिफिकेशन। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके साथ हम ऑर्गेनिज्म को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसके साथ उनका नेमिंग करते हैं, और जब आइडेंटिफाई और नेमिंग जब हम करते हैं तो उस टॉपिक को अब हम लोग स्टडी करेंगे कि व्हाट इज नोमेनक्लेचर। नेमिंग हमको देना है ना, और नेमिंग जब भी हम करेंगे तो किसमें इंक्लूड किया जाता है, नोमेनक्लेचर में। चलते हैं नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करेंगे। नोमेनक्लेचर के बारे में आपको बता दूं, व्हाट इज नोमेनक्लेचर, तो हमारा फिफ्थ टॉपिक है क्लासिफिकेशन के बाद नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, व्हाट इज नोमेनक्लेचर, टू गिव अ पर्टिकुलर नेम टू द ऑर्गेनिज्म फॉर आइडेंटिफाइंग एंड आल्सो फॉर स्टडी देम इज कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर। मतलब हम ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नेम देते हैं जिससे हम उनको आसानी से आइडेंटिफाई भी कर लें, और साथ में उनके बारे में आसानी से हम क्या कर लें, स्टडी कर लें, उनके बारे में जान लें। तो ये हमारे किस टर्म के अंतर्गत आएगा, वो आएगा हमारे नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। तो चलते हैं इसके डिफिनेशन को हम लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। Giving the particular name to
पर्टिकुलर नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड ऑल्सो फॉर इजली स्टडी अबाउट देम कॉल्ड नॉमेन क्लेचर। ओके, तो जब भी हम ऑर्गेनिज्म का एक पार्टिकुलर नेम देते हैं और ऑर्गेनिजम्स का उसके साथ किसके लिए करते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए और इजीली स्टडी करने के लिए उनके बारे में, तो हमारे किस में आता है, वो हमारे आता है नॉमेनक्लेचर। ओके, अगले टर्म में, अगले वीडियो में मैं और आगे आपको बताऊंगा। यहीं पर मैं अपने वीडियो को, दैट मीन्स अपने लेक्चर को क्लोज कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू। बोले।